पिछू तूरी की फसल है, आज तक तूरियां कहने किस टाइप की आँदी है, किस तरीके काश्त की जाती है, इन्होंने क्या तरीकाकार है, क्या इन्हें सिचुएशन है, तो आपको दिखाने वीडियो शुरू करने तो पहले सारे चैनल सब्सक्राइब करके ना वाला स्क्रीन है वीडियो शुरू। एक दफा वाल आज भाई आसिफ आराम को जरा व्यू बिया दे दो कि भाई ना साढ़े जड़े व्यूवर हैं तो वह पेन साको मजीद भी बहिया दिखाए वन आओ भाई आसिफ ना मिल दें देखने भाई आसिफ अरे क्या हाल है भाई जान ठीक ठाक हो। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक है सारे दोस्त ठीक हैं? हूँ तो थोड़े व्यूवर नाल मेरी भी शनास आई ठीक ही है जी, दो त्रै वीडियो ठीक ही तो उन्होंने मेरे नाल तो मेरी उन्होंने उम्मीद है काफ़ी शनास आई थी। खड़े हैं अपने तोरी के फील्ड के तोरी का फील्ड है, ये तोरी थोड़े सामने जनाब तोरी भी बड़ी अच्छी मतलब इसके फायदे हैं सेहत कीते जाने सेहत के असूलों के मुताबिक तोरी जरूर खानी चाहिए। तो पहले तुसां वीडियो की कद्दू तो करेला डिठा है जी, तो तोरी भी एक अच्छी फसल है, सादी फसल है, कम खर्चे नाल तैयार थी के ते अच्छी आमदन देने वाली फसल है। यानी करेला अगर तुसां वहेंदे वे उनकी नस्बत तोरी का बीज ही सस्ता है मार्केट के। अच्छा। अलबत्त तोरी दी ढेर सारिया किस्म हैं, प्लेन तोरी है जिमें तोरी है ब्लैक, इस जिमें करेले दया सब्जियां बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा एक वट वाली तोरी है, एक वादन देसी तोरी है, वो है क्यों तोरी होंगी वो कड़ी जी इन कोई घिया तोरी आदन इन कोई घिया तोरी आदन, इसका मतलब तुम गोश्त पा के पकाओ, उस तो अलावा तुम उवे पकाओ बेहतरीन जबरदस्त तोरी का मतलब क्या है? इन्हें घ्यू नहीं पाने पौना क्या मतलब? वैसे फसा गिना गिदा तो मैं कोई सवाल करके वाल मैं निकल वैसा ही मसला कह रही हूँ। घिया तोरी आदन के मतलब ना ये बड़ी नरम मुलायम होंगी है, जिस तरह घिया कद्दू होंगे ना घी की असल मसाल दिती बनती है कि मतलब ना ये नरम मुलायम घी की तरह नरम है चिकना कद्दू, हाँ तो उस तरह मतलब ये तोरी भी ना घिया तोरी ये भी बड़ी नरम मुलायम सब्जी है, बड़ी सॉफ्ट सब्जी है। तो घी तो तुम अगर आखो भी ये घी पैंता तो वाली को घिया तोरी आने तो वाल करेला जी पैंता है, हूँ घिया करेला नहीं आ घिया करेला नहीं आ सकते वालों को तोरी को घिया ना इस टाइप का कि मैं कि शायद ये तोरी तुसा मौसमी भी काश्त कर सकते वे ते एडवांस ही काश्त कर सकते वे। असल जेड़ी चीज मैं समझाना चाहता केड़े मौसम में कीता वेंदे वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर च काश्त करे सो ना, हुन तो अलावा वाल तुसा मार्च अप्रैल च भी काश्त कर सकते वे। असल चीज ये है कि तुसा ना बेडां दे जेड़े चीज छोड़नी है ना तुसा बेड दा मतलब ए है बे जेड़ी खेला जमीन दे खेला चोड़ियां बणेंदे वे ए वाल जेड़ा ना 10 फुट ही वाल कीते छड़े सो 10 फुट ही वाल कीते छड़े सो थोड़िया वल्लां घट काश थी सन ना इन तुसा यह है कि तुसा ना वल्लां ज्यादा काश कर यानी कि तुसा ना कम जात ज्यादा फसल काश कर सकते वे, एक एकड़ दे विच त्रै चार एकड़ की फसल काश करके तो फायदा गिन सकते वे। तो मकसद यह है कि तुसा ना थोड़ा जहा रवायत तो हट के कुछ बेहतरी तरफ आना चाहिए साढ़े काशकार बेरामा को कि जो काश के तरीके हैं वो जदीद अपनावने चाहिए। इन्हों की वो है तरीकाकार जरा मतलब काश्त करा का जी कद्दू तोरी ला जी जी कद्दू तोरी सेम बाकी मामला तो में बाकी है कि मतलब तुसा कढ़ाई भी ना एक फसल ना वहाओ कि अगर उनका रेट मंदा ही रहा बंदा तो कह बह चीज़ का अच्छा रहा वैसे तुसा तोरी वहा गिनो करेला वहा गिनो एक चीज कद्दू वहा गिनो टमाटर टमाटर वहा गिनो सारिया सारिया जड़िया फसल ना साढ़े एक भेड़ चाल है कि पई कि मतलब जी चीज़ का रेट ज़्यादा लगा अगले साल सारे वो वहा छोड़ी तो वाल उनका रेट डाउन थी वेंदा नहीं नहीं ये चीज़ नहीं है, मुख्तलिफ चीज़ा वहावनिया चाहिए ताकि उन्हों की जी है ना वो मामला पूरे बैलेंस के नाल चलते रहन। हाँ एक चीज नफा ना आए दूजे च चलो कॉपरेट थी वैसे बंदा जी जी बिल्कुल बिल्कुल है ना। ये कितनी एक तोरी तुसा भाई आई है इंदे चोके छापर दी वाले तकरीबन 2 एकड़ तोरी है ते तोरी दी भी पैदावार तकरीबन 150 छापर 200 छापर 100 छापर ते इना दा रेट किवें सही वेंदा पिए उना दी नस्बत नाल ते रेट है मतलब इस दा 60 रुपए 70 रुपए 50 रुपए दा छापर किलो दा छापर दा 5 किलो दा छापर दा रेट ही हुंदा है। ते बाकी जेड़ा है ना जे टाइम स्टार्ट थी आई 700 रुपए तो स्टार्ट थी आई छापर वाले रेट कम ज्यादा थिंदे रहना उन दौरान सही है।